सबसे बड़ी थाली आ गई है और इस पूरी थाली को हमें फिनिश करना है, फिनिश करना है कंपल्सरीली। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, और अभी जो सुबह के 10 बजे हुए हैं और आपको हम मिल रहे हैं, आप एक पूरी सीरीज़ के बाद हम आपको मिल रहे हैं। आई होप आपको वो जो डाइविंग वाला सीरीज़ है वो पसंद आया होगा। बहुत सारे दोस्तों कमेंट आए और वो बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को वो वीडियोस जो है वो पसंद आए। अभी नॉर्मल डे है और बाहर तो कहीं जा नहीं सकते, लेकिन एक अच्छी न्यूज़ ये है कि जो नमू है वो फुली रिकवर हो चुकी है। अभी वो फुली रिकवर है, लेकिन तो भी हम थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे फॉर अ 1 वीक टू मेक श्योर कि थोड़ा भी इन्फेक्शन जो है वो ना लगे। तो मैं आपको दिखा, नमो, सब लोग पूछ रहे थे कि नमो कैसी है, नाउ इज शी फुली रिकवर्ड। तो मैंने बोला यस, नमो गॉट नेगेटिव रिपोर्ट और वो फुली बराबर। रिकवर हो चुकी है। अभी तो अच्छा लग रहा है, मुझे नेगेटिव आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब मुझे मतलब सबको सब अच्छा फील करे और निशु भी मतलब ठीक रहेगा। मुझे नेगेटिव आ गया तो मुझे वो टेंशन नहीं है कि निशु को कि कुछ होगा या नहीं। अभी मुझे अच्छा लगता है बस। तो अभी नमो को अच्छा लग रहा है और अभी हम बनाएंगे चाय, क्योंकि जो मसाला चाय है वो अभी हमारी स्पेशलिटी बन गई है। तो अभी अपनी गर्मा गर्म जो चाय है वो तैयार हो चुकी है और जो स्मेल आ रहा है इलायची का वो बहुत ही मस्त है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। और अभी दोस्तों मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बोलूँगा कि ये जो कोरोना का जो टाइम है वो ख़राब चल रहा है, आप घर में ही रहिए, आप सेफ़ रहिए और मेक श्योर करिए कि ये जो नेगेटिव न्यूज़ है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आपको जो मैसेजेस मिलते हैं, जो फॉरवर्ड्स मिलते हैं, वो सब चीज़ों को थोड़ा साइड में रख के, थोड़ा उस पर ध्यान ना दे के मेक श्योर करो कि जस्ट फोकस ऑन यू नो एम्पलीफाइंग द हेल्प टू अदर्स। तो और उसके लिए ट्विटर्स पे और इंस्टाग्राम पे बहुत सारा हेल्प चल रहा है, तो वहाँ पे आप जाके वो हेल्प है उसको एम्पलीफाई करिए, दूसरों को हेल्प करिए, दूसरों को बेड, ऑक्सीजन बेड और जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनको वो चीज़ देने में बिलीव करिए कि जो उनको काम में आ सकती है, जो उनको रियलिटी में हेल्प कर सकती है। और उसी चीज़ में मैं सोच रहा हूँ कि मैं मेरी तरफ से क्या हेल्प कर सकता हूँ और क्या कंट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं, लेकिन कल एक स्ट्रीम था जहाँ पे मैंने हेल्प किया, लेकिन हम बहुत सारी वे में हेल्प कर सकते हैं। अभी बात यह है कि हम मेरी जो वीडियोस है उसके आर्चिव में एक वीडियो पड़ा है जो मैंने शूट किया था अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स बिफोर, और हम गए थे बाहुबली थाली खाने के लिए। बाहुबली थाली बहुत बड़ी थाली थी, वो खाने गए थे और उसमें एक चैलेंज था और वो चैलेंज मैं, तपन, पूजा और नमू ने लिया था। तो आप जाओ पहले जाके वो चैलेंज देख के आओ, पहले वो थाली का जो चैलेंज है वो देख के आओ और उसके बाद हम मिलते हैं। ये मेन रेस्टोरेंट का दरवाजा है, स्टार्ट। सो अभी ये ऑन द रोड पे हम आ चुके हैं खाओ जी में, और यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि बहुत ही सबसे बड़ी थाली मिलती है, तो लेट जस्ट गो इनसाइड एंड चेक कि कितनी बड़ी थाली और हम खा पाते हैं या नहीं खा पाते। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे जो है आओ जी खाओ जी थाली, और यहाँ पे मतलब वैरायटी इतनी सारी है जैसे कि आप मतलब पेजेस घुमाते ही रह जाओगे, इतनी सारी वैरायटी आपको यहाँ पे मिलती है। और
मैं जब यहाँ पे देख रहा हूँ तो सबसे पहले मेरी नज़र गई है जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ थालीस, कुछ लेजेंडरीज थाली है, कुछ यू नो संगे थाली, बहुत सारा है, इनिशियल पेजेस, मोदी जी का नाम तो हर जगह पे है, मुन्ना भाई पराठा थाली है, अजय देवगन पराठा थाली है, मतलब लाइक हर एक हीरो का नाम जो है वो ये है यहाँ पे है। और जो मेन अगर हम देखने जाए तो कपिल शर्मा, मलेश का, अंजनाम कश्यप, रजत शर्मा, बिग बॉस, द लीजेंडरी रेखा एंड द राज कपूर, बट हमने चूज़ किया है द बिगेस्ट द बाहुबली पराठा थाली। और अभी हम बाहुबली पराठा थाली को हम ट्राई करने वाले हैं। वो डिश विश ले लेना वहाँ खाओ जी, दिस इज बाहुबली। तो ये बिगेस्ट थाली जो है वो आ गई है, कैमरा को भी कैप्चर करने में दिक्कत हो रही है, इतनी बड़ी थाली है। वाओ सराज गुप्ता, सराज गुप्ता, okay. राजू गुप्ता, सराज गुप्ता। और ये कब से ओपन है ये? सर जी 2013 से ही चालू, 2013 से चालू है। ओके सो अभी आप बताइए हमें कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू कर दो। आलू जीरा, आलू, ओके आलू जीरा है, गोभी मसाला, ओके ये गोभी मसाला है, राजमा मसाला, राजमा मसाला जी, दाल फ्राई, दाल फ्राई, शाही पनीर, शाही पनीर, पनीर बटर मसाला, पनीर बटर मसाला, वो भी शाही पनीर है, डबल रहता है वो। ओके आलू भाजी, डबल दाल मखनी, छोले मसाला, मशरूम मसाला, ग्रीन पीस मसाला, बटर एंड दही, रायता, कस्टर्ड, खीर, उसके बाद गुलाब जामुन, रबड़ी, दाल हलवा, गाजर हलवा, ओके स्टफ पराठा, लच्छा पराठा, तंदूर रोटी, रोस्टेड पापड़, मसाला राइस, वेज पुलाव, जीरा राइस, मिर्ची सलाद। Oh, wow. Amazing. Amazing. मतलब आप देख सकते हो पूरी थाली, पूरी थाली, दिस इज द बिगेस्ट थाली, दिस इज बाहुबली थाली। सही में बहुत अच्छा टेस्ट है, बोलने के लिए नहीं बोल रहे, मतलब जैसा होता है कि थाली जब हम खाने जाते हैं ना तो कुछ चार पांच आइटम अच्छी होती है, दो तीन आइटम थोड़ी वीक होती है, ऐसा होता है जी। पर मैं एक चीज़ बताऊँ ना तो ये थाली में एक भी आइटम ऐसी नहीं है कि जो थोड़ी भी कम क्वालिटी का, थोड़ी भी नहीं, मतलब लाइक पनीर की साइज देख लो, पुलाव देख लो, सब्जी देख लो, दाल देखो, सब अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत ही अमीर, मतलब लाइक बहुत ही बड़ी थाली है जी जी। और जो बचेगा सर सब पैक हो जाएगा, अच्छे से पैक हो जाएगा सर, सही है, अच्छा है। पर हमारा टारगेट है कि हमें ये थाली कम्प्लीट करनी है। कोई बात नहीं, आराम से खाइए सर, दो घंटा जितना भी लगे, बहुत बहुत सही है, मतलब पुणे में अभी पंजाबी के मतलब ओरिजिनल पंजाबी खाना हो तो हम यहाँ पे आ सकते हैं। एक रंगला पंजाब है जो हाईवे पे है, वो अच्छी है, बट ये तो यार मतलब ये खास करके जो मटर, ग्रीन पीस मसाला, अमेजिंग, थैंक यू सर। नहीं आपको घर इतना दूर नहीं, कितनी बार गए यहाँ से,
एक महीने में हम कम से कम 6 बार इस जगह को देखा। और यार नवीन होता तो बहुत मजा। नवीन मतलब अगर तू होता ना, तू होता तो एक और साथीदार मिल जाता हमें ये पूरा कंप्लीट करने का। उसको भी दिखाया था लास्ट अभी आते आते। हाँ उसको भी दिखाया। कोई नहीं, हम नवीन को लेके फिर से आएंगे, दूसरी थाली खाएंगे, दूसरी थाली खाएंगे। तो ये हमारी थाली, आप देखो इतनी थाली हमने फिनिश की है। ओके, और ये अभी भी बाहुबली, हमारा बाहुबली अभी भी लस्सी दिखाओ लस्सी इतनी बाकी, मैंने फिनिश कर दिया लस्सी को। और हमारे नमू ने बहुत ही अच्छा साथ दिया, राइस और दाल मखनी और मटर और वो सब को ख़त्म करने में। और इन्होंने हमारा साथ दिया गुलाब जामुन फिनिश करने में, और क्या क्या खाओ, पराठा और पनीर फिनिश करने में साथ दिया है। तो अभी बस इस व्लॉग में अभी इतना ही रखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की नींद आ रही है और अभी घर भी जाना है। तो एक काम करते हैं, आपको नीचे जाके मिलते हैं।